हाँ तो बेटा श्वरन खड़े हो जाओ। हाँ काम क्यों नहीं किया? अरे सर लाइट जली गई थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। तो माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में रखी थी। तो पूजा घर से ले आते। सर नहाया नहीं था ना। अरे नहाए क्यों नहीं थे? सर पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। बेवकूफ मोटर क्यों नहीं चल रही थी? कितनी बार बताऊं सर लाइट ही नहीं थी। बैठ जाओ लाइट नीचे। हाँ बेटा सौरभ खड़े हो जाओ जरा। हाँ हाँ एक सवाल पूछना था तुमसे। एक साइड अकल और दूसरी तरफ पैसा, तो तुम किसे चुनोगे? सर मैं पैसे को चुनूंगा। गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अकल को चुनता। सही कहा सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसी को चुनता है। बैठ जाओ लाइट कहीं पर नीचे। हाँ तो बेटा साहिल खड़े हो जाना जरा। हाँ सबसे तेज चिड़िया कौन सी उड़ती है? सर हाथी। हाथी? तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? पुष्पा के शूटर है। बाप रे बाप। बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चों लिखो हाथी। हाँ बेटा सभी खड़े होना जरा जल्दी से। हाँ बताना जरा 1862 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा शाबाश। और 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी 3 साल के हुए थे। अच्छा तो लाइक थप्पड़ मारूंगा एक। बैठ जाओ नीचे। मुझे किसी साइंटिस्ट का नाम बताओ। सर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? लाइक जीत गए मेरे तुम्हें। नहीं नहीं सर ये तो बचपन से तोतला है, इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा ठीक है बैठ जाओ शाबाश। हाँ तो संचित खड़े हो जाना बेटा। ये तुम सबसे होनहार और इंटेलिजेंट बेटा है संचित। इन बेवकूफों को बताना जरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या अंतर है? सर इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। अच्छा लाइक इनके। अच्छा इन बेवकूफों को कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे इनसे शिक्षा मिल सके। सर जब मैंने रोहन को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने इसका फोन नहीं उठाया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है जैसी करनी वैसी करनी। अच्छा लाइक के साथ बैठकर लाइक हो गया। बैठ मेंबर। हाँ तो बेटा अश्वरन मैंने तुम्हें लेसन याद करने के लिए दिया था। नहीं कर पाया। क्यों गुरु जी? लाइट नहीं थी। लाइट तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी ना गुरु जी। गुरु जी जैसे मैं पढ़ने बैठा फिर चली गई। तो क्या उसके बाद लाइट आई नहीं? आई थी ना गुरुजी, लेकिन मैं ऐसे डर से नहीं बैठा कहीं फिर ना चली जाए। तुम सभी के नालायक हो। हाँ बेटा रोहन खड़े हो जाना जरा। हाँ एक ही बात क्या आता है सर? एक ही बात एक क्या बोलती। अच्छा ये सिखाया मैंने तुम्हें। अच्छा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर मैं तेरी जान निकाल दूंगा। इंग्लिश गई तेरी बार में तो नालायक कहीं का। हाँ तो बेटा मैं आपको बताने वाला था कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। हाँ जब जरा उठना बताना जरा क्या खिचड़ी पका रहे हो उसके साथ जरा खड़े हो जरा बताओ मैंने क्या बताया जरा। सर दिल्ली में आपने कहा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। नलायक कहीं का। बैठ जा नीचे। जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वो गधा होता है। हाँ सर इसका क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया। नलायक कहीं के सभी। हाँ तो छवि हाँ जरा खड़े हो जाना। हाँ बताना जरा अगर जमराज में तुमने पूछा कि पृथ्वी पर रहना पसंद करोगी स्वर्ग लोगे तो तुम कहाँ जाओगे? सर मैं जमराज से कहूँगा पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर ले आ फिर मुझे कहीं भी रहना पसंद कर। लायक कहीं का। खड़े हो जाओ जरा। तुम सभी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। ये क्या है मैंने तुम्हें? ऐसे नहीं करेंगे। पढ़ोगे लिखोगे तो ही तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होगी। सर आप तो साइकिल में आते हो। तूने मेरी जिद मिट्टी में मिला दिया है।